यो तो हाय गाइस, बहुत दिन बाद मुझे पता है, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं रेगुलर हो पाऊँगा कि नहीं। बट मुझे लगा कि ये वीडियो दे देना चाहिए क्योंकि BGMI तो ऑलमोस्ट आ चुका है और थंबनेल एंड टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो लेट्स गो। चलिए, मॉन्टेज के ऊपर मैं उतना अभी टाइम वगैरह नहीं दे रहा क्योंकि मॉन्टेज मतलब अभी कस्टम वगैरह जो होते हैं, टूर्नी वगैरह खेलता हूँ, तो ज़्यादातर टूर्नी ना दोपहर के टाइम पे होता है। तो उस टाइम पे मेरा नॉर्मल फ़ोन का टेम्परेचर रहता है 48 से 49 डिग्री सेल्सियस। तो तभी अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा ना तो मेरा फ़ोन नहीं चलने वाला, खेल नहीं पाऊँगा। आज का पूरा एकदम प्रॉपर सब कुछ के बारे में, ड्रिल के बारे में तो नहीं बताऊँगा, बट सारे चीज़ के ऊपर ऊपर से बता दूँगा। तो पूरा वीडियो देखना, ट्राई करना पूरा वीडियो देखने का, खुद से ट्राई करना जो चीज़ बताऊँगा, खुद से ट्राई करना, और इम्प्रूव ना हुआ तो कमेंट पे आके बताना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आपका ये ड्रिल्स हो गए, वार्म अप हो गए, सबसे पहले आपको मास्टर करना पड़ेगा अपना कंट्रोल एंड सेंसी पे। कंट्रोल सेंसी में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि सेंसी जो होता है ना, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है सेंसी के बारे में कि क्या क्या चीज़ होता है, कौन सा बढ़ाने में, कौन सा कम करने में क्या चीज़ होता है, तो आप ना सेंसी के ऊपर चले जाना एकदम। जो लो, हाई एंड मीडियम रहता है उसको पहले मीडियम या हाई पे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपना ट्रेनिंग ग्राउंड पे आना, आके कस्टमाइज़ कर लेना। ये तो हो गया अपना सेंसी के बाद। तो अब आता है अपना कंट्रोल की बात। कंट्रोल ऐसा चीज़ है जो आप अगर कंफर्टेबल नहीं होते हो तो भाई आप खेल नहीं सकते, जिसका भी कंट्रोल ले लो भाई। तो बहुत बंदे होते हैं कि जिसका इंस्पिरेशन होता है उसका कंट्रोल सेंसी कॉपी करने की, खेलने की आदत होता है, वो सही चीज़ है। बट तुम्हारा माइंडसेट जहाँ पे है वहाँ पे अगर सही चीज़ ना हो ना तो आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते, ड्रील प्रॉपर नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी खेलते थे, जिस कंट्रोल भी खेलते थे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपका, कुछ ड्रील करने में आपका दिक्कत हो रहा है, कुछ आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तभी अपना कंट्रोल चेंज कीजिए, नहीं तो कंट्रोल चेंज की कोई बात ही नहीं आता, समझ रहे हो। तो प्रॉपर कंट्रोल एंड सेंसी के ऊपर किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज चलते हैं ड्रिल्स के ऊपर। तो ड्रिल में से सबसे पहले जो आता है ना वो है अपना एक्यूरेट एम। ये जिगल विगल कितना भी कर लो, आपका एम एक्यूरेट नहीं है ना तो सामने वाला बंदा आपको गिरा के चला जाएगा। तो एम एक्यूरेट होने में जो चीज़ मैं पहले करता हूँ, ये ट्रेनिंग देख रहे हो ना राइट पे, इस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे डिफ़िकल्टी जो भी सिलेक्ट करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ट्रेनिंग पे जाके मैं मिनिमम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मूवमेंट का स्पीड फुल कर देता हूँ, हेलमेट वेस्ट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो मूवमेंट रहता है ना, इसको बस आपको ट्रेस करना है, अपना क्रॉस वायर से ट्रेस करना है, गोली नहीं चलानी है इसको। मेरा 2 मिनट के आसपास करने पर मेरा एक्यूरेट हो जाता है। तो इसको पहले मैं क्राउच करके करता हूँ और फिर उठ के करता हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट के आपको जितना भी, आपको जब तक ना लगे कि आपका एक्यूरेट नहीं जा रहा, आपका क्रॉस एयर वो क्या बोलते हैं उसको, टारगेट के आसपास पे, तब तक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये पहले क्राउच करके करना और फिर उठ के करना। तो अब बताता है आपका खड़े रहने की, आप ऐसे स्टिल रह के तो एनिमी को मार नहीं सकते। ये हो गया अपना स्टिल रह के अपना एम एक्यूरेट करना। अब आ जाता है आप मूवमेंट करते करते एम कैसे एक्यूरेट करेंगे। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं होगा, ऐसे नॉर्मल ये जो सामने जो टारगेट होता है ऐसे आप दौड़ते हुए जाना, जिगल देते देते जाना, एंड एम जो होता है ना ये टारगेट के हेड पे रखना। देख सकते हो मेरा क्रॉस एयर कहाँ पे है, तो बस ये चीज़ प्रैक्टिस करना है आपको। आपका एम एकदम ख़राब है या अच्छा भी है, जो भी हो, एक हफ्ता बस प्रैक्टिस करना, इम्प्रूव ना हुआ ना फिर आके बताना। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट ड्रिल कंप्लीट। ये बस प्रैक्टिस करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, ये एकदम प्रॉपर ड्रिल नहीं कह सकते, ये बस वार्म अप कह सकते हो कि मैच की पहले कुछ टाइम पे, मतलब 2 या 3 मिनट पे सब कुछ कर लेना जो होता है ना वो वार्म अप कहता है। तो ये बस उनमें से पड़ता है, ये चीज़ कर सकते हो मैच की पहले। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है सेकेंड ड्रिल, जो कि होने वाला है एम ट्रांसफ़र। एम ट्रांसफ़र जो है ना, यहाँ पे आप ट्रेनिंग पे आके भी कर सकते हो और लेफ्ट पे जो टारगेट वगैरह होते हैं ना यहाँ पे भी कर सकते हो। इसके लिए ना आपका, आप अगर फुल जायरो डिपेंडेबल हो, आपको जायरो सेंसी मास्टर करना पड़ेगा।
क्योंकि आप अगर जायरो से फुल कंट्रोल करते हो तो आपका सेंसी जो है ना, आपको ये याद रखना होगा और माइंड पे सेट करना होगा कि कितना चेक करने पे आपका कितना जा रहा है, कितना डिस्टेंस पे जा रहा है। तो ये बस आपको माइंड सेट का लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ट्रांसफ़र का जो प्रैक्टिस होता है, आप चेयर पार्क पर जा सकते हो। चेयर पार्क पर जाके वहाँ पर जो टारगेट वगैरह होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग का, वहाँ पर हर एक स्कोप से हर एक रेड डॉट, होलोग्राफी, 2x 3x 4x जो भी होता है, हर एक चीज़ से आप 100 स्कोर करने की कोशिश करना, 100 करने की कोशिश करना। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा यहाँ पे 105 हो चुका है। तो ऐसे बस प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग इन ट्रांसफ़र के लिए, ये अच्छा होता है। तो तीसरा चीज़ जो आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है हमारा एम ट्रेसिंग। एम ट्रेसिंग मतलब आप ये कार स्प्रे भी कर सकते हो, मतलब काम आते हैं यहाँ पे। तो एम ट्रेसिंग या कार स्प्रे के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए मैं ज़्यादातर आ जाता हूँ इस जगह पे। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो ट्रेनिंग। और मेरा फेवरेट जगह जो है ना, ये इसके पीछे है ये चीज़। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ कार स्प्रे की। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गोली नहीं चलाना चाहते तो यहाँ पे बस ट्रेस कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा ट्रेस कर सकते हो। ये जो एकदम पतली जगह होते हैं ना, यहाँ पे एकदम अगर रेड डॉट आपका एक्यूरेट हो जाता है, जब तक एक्यूरेट ना हो तब तक प्रैक्टिस करना। ये बहुत हार्ड है, ऐसे लग रहा है कि आसान है बट बहुत हार्ड है। तब तक प्रैक्टिस कर जाना है जब तक एकदम एक्यूरेट स्प्रे ना जाता, ठीक है? मेरा भी नहीं जाता, मैं मानता हूँ, बट आपको तब तक प्रैक्टिस कर लेना है। मैं अब तक जो जो चीज़ बताया, एकदम नूब से प्रो होने का प्रॉपर ड्रिल्स तो नहीं है, बट जिसको थोड़ा बहुत खेलना आता है, इम्प्रूव खुद से करना चाहते हो, तो ये बस प्रैक्टिस कर सकते हो ये चीज़। देखो सीधी सी बात है भाई, आप खुद से इम्प्रूव करना चाहते हो, कोई सा भी यूट्यूबर को देख के, उसका सब्सक्राइबर जो भी हो, चाहे कुछ भी बोल रहा हो, देख के या सीख के या एक्सपेरिमेंट करके, कुछ भी करके, उसको देख के आप सीख सकते हो। वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे वो चीज़ ले रहे हो। आप बहुत सारे यूट्यूबर को देख लिया, ठीक है, सारे यूट्यूबर का सारे ड्रिल्स प्रैक्टिस कर लिए एक एक दिन करके, एंड उसको भूल गए, यूज़ भी नहीं किया। इसको क्या कहते हैं पता है? इसको बोलते हैं रट्टा मारना, कि आज पढ़े तो कल भूल गए। उसको आजमाना सीखो, उसको यूज़ करना सीखो, फिर चीज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और बाद में मैं सारे सब कुछ के ऊपर, बिगिनियर्स, प्रॉपर कंट्रोल, सेंसी, क्लोज रेंज, क्लोज एयर प्लेसमेंट, सबके ऊपर अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, स्टे सेफ।